नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित कुछ बातों के, मतलब कुछ जानकारियों के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि इसका जो पेट 2021 के लिए कट ऑफ क्या होना चाहिए, हमारा तो इतना नंबर है। कोई अपना नंबर कमेंट कर रहा है 40 नंबर है, क्या हमारा हो पाएगा, कोई कर रहा है 25 नंबर हो पाएगा, ऐसे बहुत सारे कमेंट आए। और इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर सभी को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा। इसके बारे में एक बार हमने पहले भी बताया था, लेकिन आप लोगों को कमेंट के हिसाब से हम इस वीडियो में बताएंगे इसका संभावित एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है, कितने गुना कैंडिडेट इसमें पास किए जाएंगे, और इसमें कंपटीशन लेवल जैसा कि लिखा है बहुत कम होने वाला है, तो यह अभी सच है। और जो सबसे बड़ा अभी तक सब में डाउट बना हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर, कि हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था लेकिन थर्ड ईयर में छोड़ दिए या फिर सेकेंड ईयर में छोड़ दिए, इससे संबंधित भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप पहली बार आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे, तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, इसका भी यूज करिए, यानी कि दबा दीजिए बगल में, घंटे को भी दबा देना है और लाइक कर देना है, ताकि ऐसे वीडियो जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस वगैरह आए, हम वीडियो बनाएं, तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मुख्य सेविका भर्ती के लिए इस चैनल पे हमने कुछ क्लासें भी चला रखी हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसको हमने मात्र दो वीडियो में निपटा दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी डिजीज़ होते हैं, चाहे खसरा हो, बुखार हो, जो भी सिलेबस में दिया है, इसका मैक्सिमम पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है। और पढ़ाने के बाद एक प्लेलिस्ट बना करके हमने लगा दिया है चैनल के, जब प्लेलिस्ट पर जाएंगे, ठीक है, इसको जब लोगों को क्लिक करेंगे तो फिर इधर स्वाइप करते हुए जाने पर चैनल का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, और उसमें आप सबको यह वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखिए। हालांकि पूरा सिलेबस तो हम ख़त्म नहीं करा सकते, लेकिन जितना भी टॉपिक हम कवर कराएंगे उसको कवर कर लेना है। और सिलेबस के बारे में आप सबको पता है, एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें जो सिलेबस है विषय से ही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और कुल 100 नंबर के होंगे, आपको दो घंटे मिलेंगे। और इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, 1 क्वेश्चन सही करते हैं, तो सभी कट पिट जाएगा, 0 नंबर मिलेगा। यानी कि अगर 1 क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 नंबर उस पर काट लिए जाएंगे। 1/4 का मतलब यही होता है। अब देखिए, इसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वह हमने आपको बता ही दिया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। या फिर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर हमने पीडीएफ डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर यह सब जो क्लासेस हैं, आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ पर प्लेलिस्ट का हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए, एक बार सिलेबस यहाँ पर आप रोक रोक कर पढ़ सकते हैं। इसके बारे में जो यहाँ पर स्वास्थ्य एजेंसियाँ, इसको हमने पढ़ा दिया है, और रोग वाला टॉपिक चल रहा है। अब चलिए बात करते हैं काम की, जिसके बारे में सभी को इंतज़ार है। तो टोटल वैकेंसी है 2693, यह सभी को पता है, दुनिया को पता है, जिसने फॉर्म भरा है सबको पता है। और इसमें जब नोटिफिकेशन आया था तो साफ साफ लिखा था कि 15 गुना लोग इसमें पास किए जाएंगे, यानी कि पेट से 15 गुना लोग पास किए जाएंगे, यानी कि लगभग 40,395 के करीब स्टूडेंट मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है, इसका 15 गुना इतना ही होगा। और टोटल फॉर्म की बात करें तो लगभग जो फाइनल सबमिट हुआ है, लगभग 65, ठीक है, 60 के, यानी कि लगभग 60,000 के करीब फाइनल सबमिट हुआ है। 60,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, 60,000 लोगों में से 40,000 को मौका यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस हिसाब से कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ, देखिए कट ऑफ के बारे में अभी आगे बात करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने फर्स्ट ईयर में लिया था, सेकेंड ईयर में भी लिया था, थर्ड ईयर में छोड़ दिया था। और दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो फर्स्ट ईयर में लिए थे लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं लिए हैं। और तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जो तीनों साल विषय लिए हुए हैं। तो जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी, यानी कि जितना भी संबंधित सब्जेक्ट है, चाहे समाजशास्त्र हो, गृह विज्ञान हो, बाल विकास हो, लिखा है कि आपको इसमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन हुआ है, यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया है कि फाइनल ईयर में आपका यह सब्जेक्ट होना चाहिए। अब ऐसा बात क्यों? देखिए, अभी और भी बहुत सारी जो वैकेंसियाँ आती हैं, यदि उसमें स्पेसिफिक, मतलब लास्ट ईयर वालों को लेना रहता है, तो उसमें साफ साफ मेंशन कर देता है कि आपको मेन
आपका जो जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट है वह हिंदी होना चाहिए, या फिर मेन सब्जेक्ट आपको गृह विज्ञान होना चाहिए, जो भी मेन सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बता देता है वहाँ पर साफ साफ। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा कहा नहीं है कि मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, बस कहा है कि आपके ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट्स के साथ होना चाहिए। तो जिसका जिसका जिसने भी फॉर्म भरा है तीनों साल में से किसी भी साल एक विषय है तो बेहिचक हो करके तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा मौका फिर आने वाला नहीं है। आपके किसी भी साल सब्जेक्ट हो, बस तीनों साल में से आपका सब्जेक्ट होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट। आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें और लगातार करते रहें। अब चलिए यहाँ पर देखिए कुछ बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने जो यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर था उसको ले करके बताया था कि एग्ज़ाम आपका संभावित कब तक हो सकता है। तो उस कैलेंडर के हिसाब से देखें तो यह चला है सितंबर, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में जितने भी संडे से संडे एग्ज़ाम कराता है यूपी ट्रिपल एससी, तो संडे से संडे जितने भी स्लॉट थे सभी सितंबर अक्टूबर तक बुक हैं, नवंबर तक भी बुक है, और नवंबर लास्ट और दिसंबर में कुछ जो डेट है वहां पर फिक्स किया है कि यह जो डेट है यह आरक्षित की गई है। तो एग्ज़ाम को मान करके चलिए एग्ज़ाम नवंबर लास्ट नहीं तो दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक एग्ज़ाम आपका करा लिया जाएगा मुख्य स्वास्थ्य कर्ता वाला, ठीक है, मुख्य सेविका वाला। तो नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अब बात करें यहाँ पर कट ऑफ की, ठीक है। तो कट ऑफ सभी लोग यह जानना चाह रहे हैं और जानना भी चाहिए जब फॉर्म भरे हैं, तो इसका यदि पता हो जाता है तो सुकून मिलता है। अब देखिए कट ऑफ अब तक तो आयोग को कट ऑफ जारी कर देना चाहिए, लेकिन आयोग अभी तक जारी नहीं किया है और लगता है ऐसा कि बहुत जल्द जारी करेगा। अब जैसा कि हमने बताया कि 60 से 65 हज़ार के करीब इसमें फॉर्म पड़े हैं, 60 से 65 हज़ार, और इसमें से 40 हज़ार लोगों को लेना है, ठीक है, 40 हज़ार लोगों को लेना है। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, 40-50 तो जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा कमेंट आया उनका मात्र 10 नंबर 5 नंबर है, और बहुत सारे लोग 1-2 नंबर शून्य वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो इसका जो हमारे हिसाब से देखें तो इसका अधिकतम कट ऑफ जो जाता हुआ दिख रहा है यह 15 से 20 नंबर, ठीक है, 15 से 20 नंबर, या इससे भी कम है। इससे भी यदि आपका माइनस में है तो तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी ये कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है कि कट ऑफ क्या होगा, और जैसे ही आएगा सब क्लियर हो जाएगा। हमारे हिसाब से बताएं 10-15 नंबर या फिर इससे भी कम नंबर, यदि आपका 10 नंबर है, ठीक है, 15 नंबर है, तब भी तैयारी करते रहें, और इससे भी ज़्यादा है 25 नंबर 30 नंबर है, तो अब तो आपका एकदम प्लस पॉइंट है, आपको कोई हटा नहीं सकता। तो आपका जितना भी नंबर है तैयारी करते रहें, क्योंकि ऐसा ही देखने को मिला था ए एन एम में जिसका भी 0 से प्लस नंबर था उसमें सभी को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। और यह वाली भर्ती की बात करें तो इसमें टोटल फीमेल की है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। और कोई पॉइंट तो नहीं बच गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा और पूरा का पूरा फोकस अपने तैयारी पर लगा देना है, ठीक है, क्योंकि ऐसी भर्ती फिर आने वाली नहीं है। अब आएगी तो पेट में इतना ज़्यादा फॉर्म पड़ जाएगा कि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना भी तैयारी कीजिए, जहाँ से मिले वह पढ़ लीजिए, और उस क्रम में हमारे चैनल से आपको 2 टॉपिक पर अभी फ़िलहाल वीडियो मिल जाएगा, एक स्वास्थ्य एजेंसियाँ और डिजीज़ रोग वाला, तो इनको भी पढ़ लेना है सभी को, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। जय हिंद।